कोरोना वायरस की चपेट में आने से बोरो पुलिस अधिकारी और सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता संघ विश्वास की मौत हो गई। गत 9 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाए जाने के बाद कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में संघ विश्वास का इलाज चल रहा था। उनकी मौत का खबर आते ही आसनसोल दुर्गापुर सिल्पांचल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व पुलिस अधिकारी और सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता संघ विश्वास की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल संघ विश्वास गत 9 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट शेयर की थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार लगभग 22 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। कोरोना से संघ विश्वास की मौत की खबर मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर सिल्पांचल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर संघ विश्वास के निधन को लेकर शोक प्रकट किया। गौरतलब है कि राज्य में जब वामफ्रंट की सरकार थी तब संघ विश्वास की गिनती तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती थी और वो दुर्गापुर जामुड़िया समेत कई थानों के प्रभारी रह चुके हैं। लेकिन वर्ष 2011 में जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो संघ विश्वास ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। पिछले साल दिसंबर महीने में संघ विश्वास बीजेपी में शामिल हुए थे और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के समय चुनाव प्रचार में संघ विश्वास काफी सक्रिय रहे थे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी नजदीकी हो गई थी और वे अक्सर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिखते थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।